कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। कश्मीर में आप गुलगुलशन गुलफाम शूट कर रहे थे जी। ब्लैकआउट होना शुरू हो गया था उन दिनों जी, जी। फोन आते थे मुझे, फिर जनरेटर का केबल कटा। हाँ। वो बताइए जरा वाकया क्या था। इट वाज 70s, लेट 70s, अर्ली 80s। मुझे किसी ने भी करेक्ट किया है कि इट वाज लेट 80s। हाँ, क्योंकि इसमें वही किताब में तो मुझे भी वो लग रहा था कि हमने गुलगुलशन गुलफाम गलती लिखी है यहाँ। मेरे एक दोस्त ने भी पॉइंट आउट किया जो वहाँ पे असिस्टेंट था कि ये लेट 80s था जी। श्रीनगर में शूट कर रहे थे। श्रीनगर में लेक के ऊपर अपना गगरीवाल पॉइंट से थोड़ी सी दूर 3 हाउस बोट हमने बुक किए थे। मुझे इन्होंने एक होटल था उसके बिल्कुल सामने, एशिया ब्राउन ऐसा कुछ नाम था उसका, तो मुझे पूरा एक फ्लोर दिया हुआ था उन्होंने कि आप यहाँ मस्ती में रहो। और मेरे लिए तो बड़ा मतलब स्वर्ग था उस ज़माने में, मगर एक नई तंजीम वहाँ पर शुरू हो गई थी जिसका नाम था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। हाँ, तो ये शुरू हो गया था सिलसिला बगावत का, तो उन्होंने ब्लैकआउट शुरू कर दिया। क्या होता था ब्लैकआउट में? ब्लैकआउट में मतलब पूरे श्रीनगर को कहते थे कि यहाँ पे कोई लाइट ऑन नहीं होगी, सब अपनी लाइटें ऑफ करके रखेंगे आज रात, और सब रात को लाइटें ऑफ कर देते थे। वॉज इट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट या उनको कुछ मतलब वेपन्स यहाँ वहाँ करने होते थे, मूवमेंट करना होता था? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थॉट इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट, और इट कुड बी। अभी आपने बताया कि वेपन्स का भी होता होगा, क्योंकि JKLF के लड़के जो मिलिटेंट्स थे वो खुलेआम AK-47 लेके घूमते थे उन दिनों। आई डोंट नो, उसके बारे में तो मुझे नहीं है, मगर मुझे फ़ोन आया करता था कि सानी साहब आपके पिताजी तो हमारे अपने थे, आप तो यहीं के हैं, आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, आप यहीं पढ़े लिखे हैं, आप कश्मीरी बोलते हैं, आप अपनी लाइट ऑन रखिए। आपको छूट है ब्लैकआउट? मेरे को छूट थी हमेशा, मगर फिर एक दिन बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे वो रोल करके, क्योंकि मैं इन लोगों से वाकिफ था। आई न्यू दीज पीपल, दीज हाउस बोट ओनर्स, क्योंकि उनके बच्चों के साथ स्कूल के ज़माने में बहुत खेला करता था जी। वो घर भी आया करते थे जेल पे जो हाउस बोट थे, तो रोल मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मुझे एक्टिंग करने की खास ज़रूरत ही नहीं थी। आई न्यू दैट लाइफ। तो एक दिन हमको मैसेज आया कि आप पैकअप करो और जाओ वरना हाउस बोट वालों को मार देंगे। हाँ, बोले वो तब इतना ही बताया उन्होंने कि आप लोग पैकअप करो, बहुत हो गया, 1 महीने 1.5 महीने से आप यही हैं। तो वेद राय साहब ने इन लोगों ने सीरियसली लिया नहीं। फिर सेकंड मैसेज आया कि आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सैलानी हैं, आप यहाँ पे विजिटर्स हैं, आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं, आपके जो हाउस बोट ओनर्स हैं उन तीनों को मार देंगे हम। तो थोड़ा घबरा गए, तो हाउस बोट ओनर्स ने कहा कुछ नहीं करेंगे साहब, हमको कौन कुछ करेगा, हम तो इनके हम लोकल लोग हैं। तीसरे दिन सर पता नहीं हमारे लेक से जनरेटर लेक के उस पार होता था, लेक के अंदर से फिर वायर आता था हमारे, मोटा केबल 3 केबल थे, लाल ग्रीन और रेड, बड़े बड़े मोटे केबल थे हुजूर, वो आके लगते थे लाइटों माइटों में ताकि लाइट्स लगा दी जाए। क्योंकि वही था हाउस बोट सर। एक दिन रात को वो सारा तीनों केबल काट दिए अंडर वाटर, और डर गए लोग क्योंकि उसका सारा इलेक्ट्रिसिटी पानी में जा रही थी, अगर कोई हाथ डाले तो मर जावे, इतने हाई वोल्टेज थी। तो उस दिन तो फिर उन्होंने पैक अव्वल तो बंद किया जनरेटर इमीडिएटली, फिर हमने तय किया कि अभी वक्त आ गया निकलने का वहाँ से, तो वहाँ से निकलना पड़ा सर। और मुझे इतना याद है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा लोगों को, कि जिस दिन हम निकले पूरे हाउस बोट वाले ही नहीं बल्कि उस इलाके के कश्मीरी हमें विदा करने आए और सब रो रहे थे,
मेरा रोना निकल गया। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि अब ये कश्मीर हमसे दूर हो गया है। तो मुझे याद है सौरभ ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं जहाज़ में रोता रहा दिल्ली तक। वो एयर होस्टेस आई कि सर कोई मर गया क्या हुआ, तो बाकी सब ने कहा ये शराब वराब पी हुआ। दिल्ली पहुंचा भीष्म जी के साथ मैं रह रहा था, फॉर द नाइट आई स्पेंट द नाइट विद हिम, आई वाज क्राइंग ऑन द पिलो। तो भीष्म जी ने पूछा मुझे क्या बात है बेटा, व्हाट्स रॉन्ग। मैं कहा जी इस तरह होया, सारे रो रहे थे और वो कहते हैं कि अभी ये वहाँ पे ये माहौल हो गया, ऐसा माहौल हो गया। तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए, यार कश्मीर ऐसा तो कभी नहीं था। यकीन मानो बेटा 1948 में मैं कश्मीर में था, 1948 बच्चा था मैं, रावलपिंडी से हम लोग माइग्रेट किए थे, कबायलियों ने हमला किया बारामूला में, कबायली ट्राइबल्स उन्होंने कत्लेआम किया वहाँ पे, पहले लोगों को बहुत लोगों को मारा। वहाँ की जो नंस थी कॉन्वेंट में बारामूला में उनको रेप किया। बेटा सारा कश्मीर, सारे कश्मीरियों ने एक मिलिशिया बनाया उनके खिलाफ, और सारे कश्मीरी इससे पहले के फौज आए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े उनके साथ, स्लोगन्स थे। और मेरे अंकल थे, माय ब्रदर इन लॉ एक्चुअली मच एल्डर टू मी, ही वाज वन ऑफ द जनरल्स, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ दैट मिलिशिया, और एक वहाँ पे बरखुरदार बड़ा यंग लड़का था जिसका नाम था शेरवानी, मकबूल शेरवानी। वो मोटरसाइकिल पे गया बारामूला मदद करने, उसको उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था, मतलब दे क्रूसीफाइड हिम लाइक जीसस क्राइस्ट। तो उस वक्त ये हालत थी कश्मीर की, यार दे लव्ड इंडिया, दे लव्ड इंडियंस। मुझे अब दुख होता है कि अब देख के अभी क्या ये काया पलट कैसे हो गई यार। अब हम डरते हैं कि वहाँ से कर्फ्यू उठाएं तो कहीं बगावत ना हो जाए। सो इट्स बीन अ वेरी पेनफुल स्टोरी फॉर अस एंड फॉर मी स्पेशली। और मेरी तीन बहनें, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक का तो देहांत हो गया, दो का भी हुआ है, मच एल्डर टू मी, देवर इन देर 90s, उनमें से सबसे छोटी जिंदा है। उन तीनों की आखिरी ख्वाहिश थी कि हमें दफनाया जाए कश्मीर में, फला चनार का एक दरख्त है उसके नीचे हमें दफनाया जाए, डोंट क्रीमेट अस, इतना करीब है हमारे कश्मीर। और जब उनकी एशेज लेके मैं जाने वाला था तो आर्मी ने कहा इधर आने की जरूरत मत करो यार, एयरपोर्ट से आगे निकल नहीं सकोगे। तो कर्फ्यू लगा हुआ था, हाँ। सो इतना लगाव था, इतना प्यार था उनको कश्मीर से कि दे वॉन्टेड टू बी बेरिड देयर इन द सॉयल अंडर अ चिनार ट्री। व्हाट वेंट रॉन्ग? सर ये तो सियासी मामला है, मुझे सियासत में कोई ना तो इल्म है ना मुझे दिलचस्पी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मेरा ये ख्याल है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, जैसे क्राइस्ट ने कहा। यू हैव कोटेड इन दिस बुक एज वेल। यस, वो बड़े मिलनसार लोग हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, सब आर्टिस्ट हैं, पेपर मैशी का बड़ा बढ़िया काम करते हैं, शॉल्स उमदा बनाते हैं, कारपेट्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, दे आर बेसिकली आर्टिस्ट बट वेरी इमोशनल पीपल। और आपके ज़माने से नहीं, मिडिल एज से ये आर्टिस्ट हैं। दे डोंट नीड मनी, आप पैसे खिलाते जाओ उनको, वॉट दे नीड इज लव, अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन, जेन्युइन, जो के शायद उनको महसूस नहीं हो रहा। वी शुड गिव देम, दे शुड मिक्स। अभी बहुत बड़ा कदम लिया है मोदी साहब ने, 370 को जो उन्होंने ख़त्म किया है, दैट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी बोल्ड स्टेप,
And in the long run, if he lives up, if he lives up to his promises, it's a wonderful step for Kashmir. But पहले उनके दिल जीतने हैं जरूरी. तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा. लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो. लल्लन टॉप अड्डा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे. साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम. तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर दिखाइए अपने हुनर का कमाल. लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में.